তৃতীয় লহরক ভিতরে বিভিন্ন রাজ্যের জারি হয়েছে কটকা দিল্লিঠার্ভ করে তেলেঙ্গানা গুজরাট সমেত অন্য কেক রাজ্যে লাগু হয়েছে প্রতবন্ধক মামলা বড়ুথবাড় উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের নাইট করফ্যু জারি করা উত্তরপ্রদেশের পঁচিশ ডিসেম্বর লগু হব কটকা রাত্র এগারটার ভোর পাঁচটা যা লাগবে নাইট করফ্যু সেইভাবে ববহ উৎসবের সর্বাধিক দুইশ লোক সামিল হয়ে পে গাইডলাইন জারি করাপ্রদেশের রাত্রী এগারু ভোর পাঁচটা পর্যন্ত রাত্রিকা করফ্যু লাগু করা ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏକ ଗାଁରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ବଢୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କେସ୍ ବଢୁଥିବାରୁ ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷରେ ଜନସମାଗମ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ ନ କରିବାକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ओमिक्रोन और डेल्टा में क्या डिफरेंस है ओमिक्रोन की इन्फेक्टिविटी हाई है काफी अगर हम बात करें कि ये इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है लेकिन हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो डिफरेंट सिचुएशन है अगर हम यूके में देखें तो एक कम्युनिटी में शायद हजार लोग रहते हैं जहां हजार लोग रहते हैं यहां पे एक लाख लोग रहते हैं हम मान के चलें जो वेरियस स्टडीज आई हैं पॉइंट वन टू टू पॉइंट फाइव सौ लोगों का अगर इन्फेक्ट हो तो दो से तीन लोग हॉस्पिटलाइज होंगे ओमिक्रोन में एज कंपेयर टू डेल्टा वेव में देखें तो पंद्रह थे लेकिन इंडिया में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है टेन टाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी है तो ये एकदम एक्सप्लोर्ड हो सकता है ओमिक्रॉन कोई भी कंट्रीब्यूटर जो ओवरक्राउडिंग क्रिएट करेगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा इसमें एक और प्रॉब्लम है ओमिक्रोन से ओमिक्रॉन में सिम्टम्स कब होने होने से लोग अपने टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा किसी को सिंपल खांसी जुकाम है कोई एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है तो ये स्प्रेडर सुपर स्प्रेडर्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं ज़्यादातर जो ओमिक्रोन के केसेज हैं वो स्टेबल हैं उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई मेजर लक्षण भी नहीं है बहुत हल्का जैसे गले में प्रॉब्लम या हल्का उनको कमजोरी महसूस करना इस तरह के सिम्टम्स हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बिना किसी आईसीयू के रिक्वायरमेंट के डिस्चार्ज भी हो गए हैं देखिए कि उनमें लक्षण नहीं है सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि उनको ना तो आईसीयू की आवश्यकता है ना उनको कोई सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर है या उनको कॉम्प्लिकेशन है वो हल्के में लक्षण होकर निकल जाते हैं और वायरस कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है यदि वैक्सीन यदि वैक्सीन नहीं लिया हमने देखा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है इंग्लैंड में अभी तक सात डेथ हुई हैं और ये डेथ उनमें हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी तो अनवैक्सीनेटेड में डेथ के चांस ज़्यादा होते हैं और एक बार आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी डेथ नहीं होगी ये बहुत बड़ा फायदा है वैक्सीन लेने का